हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं लास्ट डे रूल सर्वाइवल। तो फाइनली गाइस, ये अपना ग्लोबल रैंक सर्वर को होने वाला है डे नंबर वन। वैसे मैंने नया सर्वर का काफी ज्यादा ट्राई किया, 4 दिन हो चुके थे एंड एक भी नया सिविलाइजेशन का सर्वर नहीं आया। एंड सी मिक्स में आया था बट मैं वहां जाता नहीं हूँ क्योंकि वहां पे यार हैकर्स इतना ज्यादा होता है। तो फिर मैंने डिसाइड करा अब मेरे से और वेट नहीं कर पाऊंगा। फिर मैं जो है ना यूरोप के एक सर्वर में गया जो कि अराउंड 270 आवर्स का बचा हुआ था। तो मैंने कहा क्यों ना इसमें हम लोग ग्राइंड करते हैं। लेट्स सी, देखते हैं आज हम लोग कितना ग्राइंड कर पाएंगे। वैसे मैंने अभी थोड़ा सा वुड वगैरह फार्म कर लिया अपने के लिए बेस बनाने के लिए। उसके बाद मैं पहुंचा गैस स्टेशन में। गैस स्टेशन में मेरे को ग्रीन कार्ड वगैरह तो नहीं मिला एंड फ्यूल भी नहीं था। तो मैं यहाँ पे से निकला फटाफट से। मैंने डिसाइड करा चलो हम लोग थोड़ा सा फार्म वगैरह करते हैं। सो मेरे को यहाँ पे एक बंदा दिखा, मैंने समझा बॉट है तो मैं उसको मारने के लिए गया क्योंकि बॉट से भी यार फ्री का लूट मिल जाता है। एंड उसने जैसे मेरे को मचेट का फटका मारा ना तो मैंने कहा भैया निकल ले यहाँ पे से फटाफट से, यहाँ पे रुकेगा तो मरेगा। तो यार वहां से मैं बच के जैसे तैसे करके यहाँ पे आया। एंड मैंने डिसाइड करा इस बारी जो है ना मैं अपना बेस बनाने वाला हूँ पीकवुड में। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से अपना 2x2 का बेस बनाया। और हाँ, इस बारी टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं अपना बेस थोड़ा सा एक्सपेंड करूंगा। सिंपल बेस रखेंगे 2x2 का एंड उसी को हम लोग आगे एक्सपेंड करने वाले। इस बारी मैं फाउंडेशन काफी ज्यादा नीचे लगा रहा हूँ, वो क्यों वो आपको जो है ना आने वाले वीडियोस में पता चलेगा मैंने ऐसा क्यों किया है। और मैं इस वाले बेस में ना डबल वॉल्स लगाऊंगा, जब भी लगाऊंगा तो आपको इजीली पता चल जाएगा। तो अभी हम लोग फटाफट से यहाँ पे अपना बेस वगैरह बनाते हैं और उसके बाद जो है ना अपना प्लान है रूम करने का। वैसे रूम तो मेरे को लगता नहीं है मिलेगा, तो हम लोग ट्राई करेंगे हार्ट ऑफ द शिप करने का। आई होप वहाँ पे अपने को रूम वगैरह इजीली मिल जाएगा। तो मैं फटाफट से अपना बेस वगैरह बनाता हूँ। तो लगभग अपना 2x2 का बेस तो बन के रेडी हो चुका है एंड यहाँ पे मैं अपना बैग प्लेस करूंगा। और उसके बाद जो है ना हम लोग अपना टीसी प्लेस करते हैं, बस इतना अपना बेस होने वाला है एंड उसके बाद हम लोग आगे अपग्रेड कर लेंगे। सो वहाँ पे मैंने अपना बेस वगैरह बनाया। फिर आ गया था मैं यहाँ पे हार्ट ऑफ द शिप करने के लिए क्योंकि यहाँ पे मेरा दूसरा अकाउंट है ना जिससे मैं थोड़ा बहुत ऑटो फार्मिंग वगैरह कर लेता हूँ। सो वहाँ पे मैंने बेस बनाया हुआ था, उस वाले अकाउंट से मैंने अपना बैग लिया एंड अब आ गया मैं यहाँ पे हार्ट ऑफ द शिप करने के लिए। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे अपने को रूम मिलता है या नहीं मिलता। वैसे यार पर्पल ब्लू रूम पे पर्पल कार्ड है बट यार यहाँ पे कर मैं तो नहीं कर पाता, सो मैं वहाँ पे जाऊँगा भी नहीं। एंड लकीली यहाँ पे जो है ना मेरे को टूल बॉक्स से मिल गया स्कूबा एंड ऑक्सीजन सिलेंडर का रेसिपी, तो उठा लेते हैं। अगर 10 लेवल होगा तो यहाँ पे का पर्पल रूम करने का ट्राई करेंगे। स्कूबा रहेगा अपने में तब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तब तो हम लोग वो रूम जो है ना ईजिली कर लेंगे, बट अभी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो चलिए फटाफट से मैं जो है ना यहाँ पे ग्रीन रूम करता हूँ एंड आई होप SMG मिल जाना चाहिए अपने को। भाई मेरे को पता है मेरे को SMG जो है ना बंदे को मार के ही मिलेगा, वैसे तो भूल ही जाओ, वैसे तो SMG मिलने वाला नहीं है। आप लोग देख लेना यार, आगे आपको पता चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे का ग्रीन रूम किया, ब्लू रूम मैं कर नहीं पाऊंगा। तो मैंने कहा अभी हम लोग यहाँ पे से फटाफट से निकलते हैं सीधा अपने बेस में एंड जो भी कार्ड वगैरह ना लूट वगैरह हम लोग रखेंगे अपने बेस में। उसके बाद मेरे को अपने फर्नेस बनाने के लिए थोड़ा सा चाहिए फ्यूल, तो मैं जाता हूँ फटाफट से फ्यूल वगैरह फार्म करता हूँ। एंड उसके बाद अपना प्लान है कि अपने को जो है ना अभी करना है रूम क्योंकि SMG चाहिए। भाई यहाँ पे मॉन्स्टर है, चकवा वाला मॉन्स्टर है, उसको मारना पड़ेगा। तो आराम से मारेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अरे फंस गया ये, अब इसके मुंह में जो है ना मैं मारूंगा शॉटगन के फटके। तो ये तो गया भाई, एक फटके का बचा हुआ है, मचेट से मारता हूँ खत्म। तो फिर इसको इस यहाँ पे इसको मारने के बाद मैं यहाँ पे फटाफट से अपने के लिए फ्यूल वगैरह फार्म करने लगा। फ्यूल ज़्यादा नहीं था बट जितना भी था मेरे लिए काफ़ी है एंड इतने में तो काफ़ी फर्नेस बन जाएगा। तो फ्यूल फार्म करने के बाद यहाँ पे मैं आया एंड मुझे जो है ना यहाँ पे लेवल 2 का मास्क मिला, तो मैंने कहा चलो यार लेवल 2 का मास्क भी उठा लेता हूँ क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेवल 2 का मास्क। तो लेवल 2 का मास्क उठाया, फ्यूल मैंने अपने बैग में रखा एंड साइकिल निकाल के निकल पड़ा मैं सीधा रूम करने के लिए एंड पहुंचा सीधा न्यूक्लियर। एंड काफ़ी भाई लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई तू अकेले में इतना ज़्यादा स्पीयर फार्म कैसे करता है, मतलब तू तो काफ़ी ज़्यादा स्पीयर फार्म करता है। तो यार सिंपल तरीका है,
मैं जो है ना स्पेयर फार्म नहीं करता हूँ। यहाँ पे आप लोग स्प्रिट मॉन्स्टर देख रहे हैं, तो मैं पूरा मैप में घूम के स्प्रिट मॉन्स्टर मारता हूँ एंड इनसे जितना भी कंपोनेंट मिलता है वो मैं कर लेता हूँ डायरेक्ट डिसमेंटल। डिसमेंटल कहाँ करता हूँ अभी बताता हूँ। भाई मेरी शॉटगन में बुलेट्स खत्म हो गई, फटाफट से मैं इसको लोड करता हूँ। अरे पीछे आ जा। कभी कभार बताऊं गाइस आपको, जब आप लोग स्प्रिट मॉन्स्टर को मारेंगे तो आपको कभी कभार 15 प्लेट 15 पाइप 10 गियर एंड 10 स्प्रिंग मिल जाते हैं। तो अराउंड आप लोग सारा कंपोनेंट को डिसमेंटल मारोगे तो उससे अपने को 500 स्पेयर्स तक का सामान मिल जाता है। तो इसीलिए अगर आपको स्पेयर्स ज़रूरत है तो यार मैप में घूमो, साइकिल में जितने भी स्प्रिट मॉन्स्टर है सबको मारो एंड जितना भी कंपोनेंट मिले गैस स्टेशन में गैराज में जाकर उनको डिसमेंटल कर दो, फिर तो टेंशन ही खत्म। तो वहाँ पे मैं रूम किया, रूम तो था नहीं, फिर मैं अंडरग्राउंड वाले रूम पे गया, वहाँ पे भी रूम नहीं था। तो फिर मैं आया ट्रेड जोन में, क्योंकि स्पेयर चाहिए, स्पेयर मिलेंगे अपने को स्प्रिट मॉन्स्टर से। तो यहाँ पे भी अपने को देखो 10 गियर मिले, अगर मैं गियर को डिसमेंटल करूँगा तो अराउंड मुझे इजीली 100 स्पेयर मिल जाएगा। तो अभी मैं यहाँ से जाता हूँ गैस स्टेशन, गैस स्टेशन में सारा कंपोनेंट डिसमेंटल करूँगा, उसके बाद आऊँगा एयरपोर्ट एंड एयरपोर्ट में भी 2 स्प्रिट मॉन्स्टर होते हैं, बट आज मेरे को वो स्प्रिट मॉन्स्टर नहीं मिले। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा चलो कोई नहीं, यहाँ पे हम लोग सारे के सारे कंपोनेंट डिसमेंटल करेंगे आराम से। और यहाँ पे गैराज में फ्यूल भी था तो फ्यूल भी मैं फार्म कर लेता हूँ। अरे भाई ग्रीन कार्ड भी मिल गया, चलो बढ़िया है, ग्रीन कार्ड मिल गया। तो मैं अभी स्पेयर वगैरह फार्म करता हूँ एंड उसके बाद मैं पहुँचा सीधा हार्बर में। एंड जैसे ही मैं हार्बर में पहुँचा, यहाँ पे देखा भाई यहाँ पे तो कतई मारकाट हुई मची है। तो मैंने कहा मारकाट जो भी कुटा होगा यहाँ पे, मैं तो रूम करता हूँ और निकलता हूँ। भाई रूम चेकआउट करा, रूम तो ऑलरेडी लूटेड था, बट यहाँ पे फ्री वाला एमओ चेस्ट था। मैंने कहा यहाँ पे तो अपने को SMG 101% मिल जाएगा। पहला तोड़ा उससे भी SMG नहीं मिला, दूसरा तोड़ा उससे भी SMG नहीं मिला। मैं समझ गया था भाई बंदे ही मारना पड़ेगा तभी मिलेगा SMG मिलेगा। चलो चलते हैं एंड स्प्रिट मॉन्स्टर है ना यहाँ पे, इनको मारो, कंपोनेंट देगा दबा के। वो भाग गया भाई, यहाँ पे तो अपने को कुछ भी नहीं मिला। तो चलो कोई नहीं यार, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। आज अपना लग बढ़िया नहीं था कि अपने को बिल्कुल भी कंपोनेंट नहीं मिले। तो मैं यहाँ पे घूम रहा था, घोड़ा पकड़ लिया था मैंने एंड यहाँ पे जो है ना एक बंदा आया पैगसिस लेके, उसने एक बंदे को मारा, बट मैंने डिसाइड करा चलो इसको मैं मारता हूँ, ऊजी तो मिल ही जाएगा इसका। चल भाई निकल। अरे भाई SMG मिल गई। तो भाई ये जो बग है ना ये बहुत गंदा बग है, घोड़े में बैठा उतर गया नीचे, दोबारा बैठा दोबारा उतर गया। भाई ये गेम ना लिटरल यार मेरा दिमाग खराब हो जाता है बग्स को देख के। चलो कोई नहीं अब क्या कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फार्म वगैरह किया था अपना दूसरा अकाउंट से ऑटो फार्मिंग एंड अभी मैं सबसे पहले तो अपने के लिए फर्नेस बनाता हूँ। फर्नेस बनाने के बाद जितना भी थोड़ा बहुत फार्म है वो हम लोग रखेंगे मेल्ट करने के लिए। यहाँ पे मैंने 3 फर्नेस लगाया, 3 फर्नेस मेरे लिए सफिशिएंट है, अकेले बंदे के लिए बहुत है। उसके बाद मैंने पास जितना भी फार्म था थोड़ा बहुत फार्म मैंने यहाँ पे डाला मेल्ट करने के लिए, क्योंकि अपने को जो है ना थोड़ा सा बुलेट्स वगैरह बनाना है एंड SMG तो मिल गया मेरे को। अभी SMG का रेसिपी लर्न नहीं किया मैंने, अभी मैं SMG का रेसिपी भी लर्न करूँगा, बट यार बुलेट्स बनाने के लिए मेरे को थोड़ा सा रिसोर्सेज भी तो चाहिए। तो इसीलिए मैं मेरे पास थोड़ा सा रिसोर्सेज है उसको हम लोग करते हैं मेल्ट एंड अभी बस मैं जो है ना ट्राई करता हूँ ड्राफ्टिंग टेबल बनाने का। आई थिंक मेरे पास उतना सामान तो होगा, बट ऐसे करते ना पहले अपना बेस अपग्रेड कर लेते स्टोन में, क्योंकि जैसे रेड टाइम होगा डेफिनेटली अगर मेरा बेस स्टोन का भी रहेगा ना तो रेड हो जाएगा। तो मेरे को रेड टाइम ऑन होने से पहले अपना बेस जो है ना पूरे का पूरा अपग्रेड करना है आयरन में एंड मेन सेक्शन हम लोग करेंगे अपग्रेड स्टील में, कि एटलीस्ट यार जो बंदा रेड करेगा ना वो सोचेगा तो सही इसका बेस रेड करूँ या ना करूँ। तो ठीक है अभी मैंने यहाँ पे अपने लिए ड्राफ्टिंग टेबल क्राफ्ट किया एंड जैसे क्राफ्ट होता है उसको मैं करता हूँ यहाँ पे प्लेस, बट उससे पहले जो है ना मैं अपना वर्क बेंच को अपग्रेड कर लेता हूँ मिड में। तो ठीक है वर्क बेंच अपग्रेड हो गया मिड में, इसको रोटेट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं प्लेस करता हूँ अपना ड्राफ्टिंग टेबल। चलो भाई यहाँ पे हम लोगों ने ड्राफ्टिंग टेबल प्लेस किया, इसको रोटेट करता हूँ। ठीक है तो इसको मैंने यहाँ पे रोटेट किया। अभी मेरे को ना अपना SMG निकालना है। SMG से सबसे पहले तो मैं रेड डॉट निकाल दूंगा
और फिर हम लोग एक एक करके दोनों का रेसिपी लर्न करेंगे। चलो सबसे पहले तो SMG का रेसिपी लर्न करता हूँ अराउंड 450 स्पेयर, फिर उसके बाद रेड डॉट का रेसिपी लर्न अराउंड 300 स्पेयर। तो ठीक है गाइज, अपना SMG का रेसिपी लर्न हो चुका है, रेड डॉट का रेसिपी लर्न हो गया, इजीली मज़ा आ गया। टाइम काफ़ी लगा बट यार बंदे को मार के ना एक ही बार में दोनों मिल गया। रूम तो मैं कंटिन्यूस कर रहा था बट यार रूम पे मिलता ही नहीं है। देखो अब ये चौथा पांचवा रूम है मेरा ग्रीन, अभी भी SMG नहीं मिलेगा। अरे भाई फार्म हाउस मिल गया, अब तो लग बढ़िया है। तो अभी हम लोग ऐसे करेंगे ना, फार्म हाउस लर्न करेंगे, SMG तो लर्न कर लिया, फार्म हाउस लर्न करेंगे और उसके बाद आर्मर मेरा प्लान नहीं है लर्न करने का। मैं आर्मर जो है ना डायरेक्ट स्टील का लर्न करूँगा, क्योंकि आपको पता है आयरन के आर्मर लर्न करने में भी अराउंड 600 स्पीयर्स लगते हैं, एक चीज़ को लर्न करने में अराउंड 2400 स्पीयर्स, स्टील का भी लर्न करो 2400 स्पीयर। तो मेरा प्लान है आयरन नहीं पूरा स्टील। तो उसके बाद मैं यहाँ पे पहुँचा, मैंने थोड़ा सा अपने के लिए डिसाइड किया कि मैं मिलिट्री जाऊँगा, तो अपने को जो है ना बुलेट्स चाहिए क्योंकि मिलिट्री में भी स्प्रिट मॉन्स्टर होता है। तो मैंने कहा चलो देखते अपनी फर्नेस में कितना मटेरियल है एंड बनाते अपने के लिए बुलेट्स और निकल पड़ते हैं सीधा मिलिट्री के लिए। तो उसके बाद मैं घोड़ा लेके आया एंड निकल पड़ा सीधा मिलिट्री के साइड के लिए एंड वहाँ पे भी जो है ना अपना लक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। यहाँ पे मेरे को स्प्रिट मॉन्स्टर मिल गए दोनों के दोनों एंड इनसे जो है ना गाइज लिटरली अपने को इतना मस्त कंपोनेंट मिला ना, आप लोग भी बोलेंगे कि भाई तेरा तो लक काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे। चलो कोई नहीं अभी हम लोग इसको मारते हैं फटाफट से। मर गया, इससे तो अपने को 10 गियर मिला, ज़्यादा नहीं मिला ठीक है बट दूसरे से कितना मिला। अबे दूसरे की पेटी किधर है, ये रही देख रहे हो, अराउंड 350 स्पीयर के कंपोनेंट्स मिले मेरे को। तो मैं यहाँ पे पहुँचा फटाफट से, मैं सारा का सारा कंपोनेंट डिसमेंटल करूँगा एंड आप लोग खुद ही देख लो यहाँ पे अपने पास कितना कंपोनेंट है, अराउंड 700-800 स्पीयर तो ईजिली हो जाएगा। बट अभी जो ना यहाँ पे अपना एक वो भी बचा हुआ है जो अपनी एनर्जी को हील करता है ना, उससे भी अपने को काफ़ी अच्छा कंपोनेंट मिलता है। बट सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं ग्रीन रूम। चलो चलते हैं देखते हैं ग्रीन रूम के अंदर अपने को क्या मिलता है। ब्लू कार्ड तो है नहीं दोनों ग्रीन रूम पे, बट यार मुझे लग रहा है मिलिट्री मेरा बेस बुलाने का डिसीजन काफ़ी गलत रहा है, क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री में जो है ना एक भी रूम नहीं है, पर्पल रूम नहीं है। अगर पर्पल रूम नहीं है तो यार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, फिर तो मेरे को ना अपना लेवल 10 करके अपने के लिए स्कूबा बनाना पड़ेगा। एटलीस्ट हम लोग हार्ट ऑफ द शिप का तो कर ही सकते हैं, ट्राई करेंगे देखते हैं। चलो अभी हम लोग यहाँ पे से निकले, अभी दूसरा ग्रीन रूम की तरफ चलते हैं उसको करते हैं एंड उससे भी अपने को आई होप एमोचर्स तो मिल ही जाएगा फ्री वाला। तो उसके बाद मैं यहाँ पे पहुँचा दूसरा ग्रीन रूम पे, फटाफट से वाला ग्रीन रूम भी करता हूँ। भाई चढ़ जा भाई, अरे भाई देखो अब जाके मेरे को SMG मिली है कम से कम 7वां 8वां ग्रीन रूम पे, भाई हद है मेरी किस्मत। ठीक है बट मिली गई SMG की बैरल है, ये तो अपने को चाहिए क्योंकि अपन लोग फार्म हाउस लर्न करेगा, तो फार्म हाउस बनाने के लिए मेरे को SMG की बैरल चाहिए। SMG की बैरल्स मैं छोड़ूंगा नहीं कहीं पे भी मिले मेरे को। चल भाई मेरे को वायर दे दे फटाफट से, बैग में स्पेस नहीं है तो मेरे को थोड़ा सा सामान ड्रॉप करना पड़ेगा। क्या ड्रॉप करें, हाइट का आर्मर ड्रॉप कर लेते क्योंकि हाइट का आर्मर का इतना ज़रूरत होता नहीं है। तो ओके यहाँ पे हम लोग ने निकाला एंड अभी हम लोग चलते हैं डायरेक्ट स्प्रिट मॉन्स्टर मारने के लिए बड़ा वाला। हील कर लेता हूँ अपने को पहले, थोड़ा सा हेल्थ कम है एंड रेडिएशन भी ठीक ठाक चढ़ चुका अपने में, तो हील भी करना पड़ेगा मेरे को। तो उसके बाद मैं वहाँ से निकला एंड पहुँचा मैं सीधा यहाँ पे। तो मेरी दूसरी आईडी में जो है ना, जो मेरी दूसरी आईडी थी उसमें कर अराउंड 100 से ज़्यादा ट्रेड टिकट था ऑपरेशन बेस खेल खेल के। तो मैं यहाँ पे पहुँचा पर्पल रूम के सामने एंड मैंने देखा एमो चेस्ट है, एडवांस एमो चेस्ट। तो मैंने फटाफट से अपनी वो वाली आईडी से
शॉप शॉप बाइक या पर्पल कार्ड, मैंने कहा मेरे को रूम करना है तो फटाफट से रूम वगैरह कर लेते हैं। एंड इसीलिए जो है ना, मैं आजकल थोड़ा सा ऑपरेशन बेस भी ज़्यादा खेल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप में 100 ट्रेड टिकट हो गए तो आप लोग पर्पल कार्ड इजीली बाय कर सकते हो शॉप से, तो वही मेरा प्लान था। एंड आज जो है ना ये चीज़ काम तो आया, एंड मेरे को पहले ही पर्पल रूम पर जो है ना एक काफ़ी बढ़िया लूट मिला है, आई मीन AR मिल चुका है, तो एटलीस्ट हम लोग अपना बेस थोड़ा सा सेव कर सकते हैं। अगर कोई रेड वगैरह करने आया तो AR यूज़ करके अपने को डिफेंड कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पर से निकला एंड पहुँच गया मैं सीधा गैस स्टेशन में, क्योंकि मेरे पास कंपोनेंट्स थे काफ़ी ज़्यादा एंड कंपोनेंट मेरे को डिसमेंटल करने थे। कुछ बंदे यहाँ पे फाइट ले रहे थे आपस में, तो मैं इसके पीछे आराम से चल बैठे निकल, दूसरा यहाँ पे बैठा हुआ है चल तू भी निकल। इसके पास ना सेमी ऑटो राइफल है, आई थिंक गिरनी चाहिए। अरे भाई उसकी सेमी ऑटो राइफल गिरी नहीं है। एंड अरे भाई यहाँ पे लूट मिलेगा, वो मिल गई मेरे को चटाई है, डिसमेंटल करूँगा ना, क्लॉथ मिलेगा दबा के। ओके मिला सामान, थोड़ा सा कंपोनेंट्स था इसमें, 2-3 पाइप था। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंपोनेंट वगैरह डिसमेंटल किया, सामान वगैरह तो है काफ़ी ज़्यादा। अरे भाई बंदे के ना 450 के करीब स्पेयर्स था भाई, मेरे को मिल गया। मैं तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहा यार, यहाँ पे गैस स्टेशन आने में काफ़ी अच्छा कंपोनेंट मिला मेरे को यहाँ पे। चलो कोई नहीं, वो कंपोनेंट उठाता हूँ एंड जितना भी मेरे पास कंपोनेंट है वो मैं काटता हूँ डिसमेंटल किया, क्योंकि अभी अपने को फार्मास का रेसिपी निकालना है, वर्क बेंच एडवांस करना है, ऑयल ड्रम का रेसिपी निकालना है आज। तो देखते हैं, आज नहीं निकल पाए तो डेफिनेटली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में निकालेंगे, बट अभी सारे के सारे कंपोनेंट करो डिसमेंटल। तो मैंने अपने सारे के सारे कंपोनेंट यहां पे डिसमेंटल करने के लिए डाले, एक एक करके मैं सामान उठा ही रहा था, मेरे को पीछे से फायर हुआ, मैंने कहा बंदा आ गया। चलो कोई नहीं यार, लकीली मैं कवर में आ चुका था, अभी थोड़ा सा हील वगैरह करता हूं। एंड वो देखो मेरे को पीछे से घूम के मारने का ट्राई कर रहा है, वो समझ रहा है जैसे मैंने देखा ही नहीं, सारा का सारा कंपोनेंट उठा लो भाई, मरूंगा भी तो 20% गिरेगा अगर यहाँ पे मर गया है। अरे ये आया, पहले तो डैमेज ही नहीं आया, अब गया। अरे भाई पीछे से फुटस्टेप्स भी नहीं आए बंदे के, इसने कतई जंप करके आ रहा था कि उसको पता ही ना चले। तो भाई यहाँ पे इस बंदे ने मेरे को मारा, बट उसकी शॉटगन की बुलेट्स भी कितना टाइम बाद लगाया मेरे को। मैं मरा, मैंने सारा सामान अपने बेस में रखा एंड उसके बाद घोड़ा पकड़ा, दोबारा से जो है ना मैं आया इधर के साइड। चलो भाई चलते हैं एंड उस बंदे को मार के आएंगे, एंड जितना भी अपना सामान गिरा है ना शॉटगन्स वो लेके आऊँगा। तो मैं सारा का सारा कंपोनेंट्स अभी यहीं पे रखूँगा, कंपोनेंट्स अपने साथ लेके चलें, ऐसे करते ना कंपोनेंट्स मन तो नहीं कर रहा है लेके जाने का, बट क्या करें, छोड़ो ऐसे करते हैं ना बेस में रख लेते हैं, बाकी वहाँ जो कंपोनेंट्स मिलेगा उसी से काम चलाएंगे। एक SMG है मेरे पास, लेट्स गो। क्या लगता है आपको, मार पाऊँगा मैं? हेल्थ कर लेता हूँ यार पहले पूरा, तभी जाऊँगा आगे। तो उसके बाद मैं घोड़ा पे बैठा एंड निकल पड़ा सीधा गैस स्टेशन के साइड में, एंड यहाँ पे मैंने देखा भाई दो बंदे आपस में दोबारा फाइट कर रहे हैं। मैंने कहा रुको भाई, एक बंदा दिखा उसको मारा, आई थिंक उसने दूसरे बंदे को तो मार दिया था, हाँ दूसरे बंदे को मार दिया था उसने। साइकिल आई तो थी यहाँ पे, बट मैं 100% श्योर नहीं हूँ वो बंदा किधर है, बट साइकिल आई थी। अच्छा ये तो रही, तो मैंने कहा चलो ये साइकिल थी, लगता है मैं ही बैठा था उसके ऊपर, बट मुझे लग रहा है डेफिनेटली बंदा तो है। तो यहाँ पे बैठ के मैं थोड़ा सा देखने लगा, मैंने कहा साइकिल का निशान आया था मेरे को, डेफिनेटली यहाँ पे बंदा है, बट बंदा है किधर वो मुझे नहीं पता, बट कोई नहीं होगा देखा जाएगा। जितना भी कंपोनेंट है वो उठाता हूँ एंड थोड़ा सा कंपोनेंट्स मेरे पास है वो डालूंगा मैं डिसमेंटल करने के लिए। सो मैं यहाँ पे पहुँचा एंड फाइनली मुझे बंदा दिख गया, पेड़ के पीछे छुप के बैठा है भाई ये।
अरे मार रहा है, मारता है। तो यहाँ पे मैंने इसको मारा एंड जितना भी कंपोनेंट है मेरा वो करूँगा डिसमेंटल। उसके बाद जो है ना हम लोग चलते हैं सीधा अपने बेस के साथ। यार 5000 वुड है, मेरे बैग में स्पेस नहीं है। SMG ये रहा, थोड़ा सा मेरे को ये जो स्टोन की एक्स है वो ड्रॉप करता हूँ मैं। सामान उठाऊंगा और निकल पड़ूंगा सीधा अपने बेस के तरफ। चलो अभी मैं सारे का सारे कंपोनेंट करता हूं डिसमेंटल आराम से बैठ के। तो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने बैठ के थोड़ा देर कंपोनेंट अपना सारा का सारा डिसमेंटल किया एंड उसके बाद कंपोनेंट उठाने के बाद तो मैंने डिसाइड करा चलो भाई अभी हम लोग चलते हैं। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पे बंदा है? मैंने अभी बंदा देखा, यहाँ पे बंदा है भाई वहाँ पे, तो मारना पड़ेगा उसको। कोई टेंशन वाली बात नहीं, यहाँ पे बैठ के चुपचाप से बैठो। सारा कंपोनेंट उठा लिया है, जितना भी डिसमेंटल हुआ है। अब बंदा दिखेगा ना अब मारेगा मैं उसको। निकल भाई निकल, नहीं आ रहा है वो। दिखाया मुंडी, दोबारा से घूम के आएगा। बट मैं इस बारी मैं इधर से जाऊंगा क्योंकि मुझे लग रहा है उसको पता चल गया मैं इधर से आ रहा हूँ। डैमेज नहीं आया थोड़ा सा। चल भाई निकल। तो भाई यहाँ पे मैंने इसको मारा एंड अब जाके मैंने डिसाइड करा चल बेटा अब आराम से जो है ना भगले अपने घर की तरफ, रुक के कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। तो चलिए गाइज फिर आज की वीडियो के लिए हम बस इतना ही। मिलता हूँ मैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर योर लवली सपोर्ट। मिलते फिर एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।